पर्यटन विकास से संबंधित संचालित परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयोग सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि पर्यटन विकास शासन की प्राथमिकता है, इसलिए संचालित परियोजनाओं को गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और पूरे कार्यों का सत्यापन अवश्य कराया जाए तथा 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के कार्यों का ऑडिट थर्ड पार्टी से कराया जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य प्रारंभ हो गए हैं उसे रोका न जाए, काम जारी रखें और यदि बजट अनुपलब्ध हो तो उसकी डिमांड किया जाए। निर्माण कार्यों में यदि कोई कठिनाई जैसे भूमि विवाद, बजट की अनुपलब्धता आदि हो तो अवगत कराएं ताकि उसका निराकरण कराया जा सके। मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो ताकि रिवाइज एस्टीमेट की स्थिति न आने पाए, कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे जो भी कार्य सर थे सारे कार्य हमारे ग्रुप में सर पहला काम था पार्किंग का सर पूर्ण कर दिए गए हैं सर, साइनेज भी लगे हैं सर, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर लाइट, पेयजल व्यवस्था, मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटी सर, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ये हमारे कार्य ग्रुप में सर हस्तगम की कार्रवाई चल रही है सर। लगभग 70% प्रॉपर्टी सर हस्तगम कर दी गई है सर। इसमें एसडीएम का सर सीएनडीएस नंबर 14 का सर विश्वकर्मा मंदिर प्रशासन के पोखरे के पास सर पंचायत मंदिर के रूप में लोकेशन का काम सीएनडीएस सर काम चल रहा है सर। उसमें टूरिस्ट हॉल बन रहा है, उसका सर्विंग स्लैब का काम चल रहा है सर, शटरिंग हो रही है, टॉयलेट ब्लॉक के शटरिंग के काम हो रहा है। भेज दिया गया? हाँ सर, यूसी भेज दिया। इसका यूसी अभी आपको एक सप्ताह पहले भेजा सर, इसी की द्वितीय किस्त मिल गया सर। द्वितीय किस्त लिए आपने भेज दिया? जी सर, कार्य भेज दिया सर। और जो भी हमारे गोरखपुर में काम चल रहे हैं सर, तो उसकी सूची सर डीजी सर ने मांगी थी, इसी के लिए सर्वप्रथम द्वितीय किस्त। जो भी जिनकी भी यूसी आपको मिल गई है सर या विगत वर्ष मिली हो उसको त्वरित रूप से आप उसको भेज दें फंड रिलीज के लिए। जी सर। एक तो जो भी 10 करोड़ से ऊपर के कार्य हैं उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगी कार्यदायी संस्था सर, ये बहुत बार कहा गया है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। का थर्ड पार्टी ऑडिट भी आप लोग कराइए, किसी से भी करा दीजिए, आईआईटी से करा दीजिए, आपका बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनसे करा दीजिए, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर की स्कीम का करा दीजिए, इससे ठीक रहता है, थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन हो जाता है स्कीम का। जिन स्कीम में आपको जो पैसा मिला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो नंबर वन स्कीम हम यूपीआरएम की डिस्कस कर रहे थे गोरखनाथ मंदिर में, उसमें आप पैसा आता रहेगा, चिंता ना करें। वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, कोविड की वजह से थोड़ा सा वो था, अब आपने यूसी तुरंत पर्यटन जो है अविलंब कार्य को देख के जो भी आपको देखना है देखिए और फिर यूसी धन की मांग कर दीजिए। लेकिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर काम ना रोके, क्योंकि ये सीजन में यदि काम रोक दिया तो अगले 3 महीने काम नहीं होगा। ये आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग हॉल में तो सबने बोल दिया कि हाँ काम हो रहा है काम हो रहा है और फिर काम रुक जाए, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए कि काम नहीं। ये विश्वकर्मा मंदिर बता रहे हैं जी सर, विश्वकर्मा मंदिर तो अब काम करना है।